में है अभी। जी बिल्कुल। लेकिन मार्केटिंग जो फील्ड है वो इतना बड़ा हुनर है कि हमारे बच्चे जो है बस्सी बच्चे लड़के या लड़के जो भी है वो इस फील्ड में उनको कोई ले नहीं जाता या उनको बताता नहीं। ठीक है, सारी करेंसी एक्सेस करो, डॉक्टर बनो, तो सारे डॉक्टर भी नहीं बनेंगे, सारे लॉयर भी नहीं बनेंगे, सारे नर्स भी नहीं बनेंगे, सारे और भी नहीं जाएंगे। मकसद देखिए जैसा टैलेंट है आपका वैसे ही आप जॉब कर लेंगे। तो बात यह है कि आप अगर मैट्रिक एम पे बी ए हैं तो आपके लिए जो ज्यादा मौके हैं अच्छी जॉब के वो मार्केटिंग में है, मार्केटिंग और सेल्स और मार्केटिंग जल्दी समझ आ जाती है। जी नाजरीन, हमारे साथ जॉर्ज बूटा साहब जो यूएसए से हैं, यहाँ नौजवानों को अवेयरनेस का प्रोग्राम दे रहे हैं। जॉर्ज साहब, आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तान में मसीह नौजवानों के पास टैलेंट तो बहुत है लेकिन उनके पास वसाइल नहीं है। जी हाँ जी, आप बात की है वो ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि करेक्ट किया जाए। टैलेंट जरूर है लेकिन अगर आप हम चूँकि बहुत इंटरव्यूज लेते हैं नौजवानों के तो आई थिंक 50-60% टैलेंट तो बिल्कुल ठीक है लेकिन 40% बस पढ़े ही होते हैं, बोलते कुछ नहीं ना उसको सही जवाब देते हैं, तो वी कांट कॉल देम टैलेंट। वो ह्यूमन पावर तो कह सकते हैं, लेबर पावर है, लेकिन जो टैलेंट होती है जो कॉम्पिटेंसी कहते हैं जिसको, वो जो है वो 60% में है। दिस इज माई ओपिनियन। हम कई दफा बड़ा स्टेटमेंट देते हैं बड़ा टैलेंट है, दैट इज नॉट वेरी करेक्ट। ठीक है, तो टैलेंट है 60% है लेकिन 40% नॉट कॉम्पिटेंट। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, जो जहाँ तक मौके की बात है ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, मुल्क में मौके जो है वो सबके लिए ही बहुत कम हो गए क्योंकि मुल्क की आबादी जो है वो बढ़ती ही जा रही है, कहाँ 6 करोड़ और आज अब 24 करोड़ है। तो मुश्किल दूसरी कौमों के लिए भी है, मेजोरिटी कम्यूनिटी के लिए है, लेकिन ऑफकोर्स मिनॉरिटी होते हुए हमें ज्यादा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारे साथ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन एलिमेंट आ जाता है, चॉइस आ जाए रखे या ना रखे। ठीक है, तो उस वाह के हमें एक प्रॉब्लम होता है, तो इसको एक ही है कि हमें आउटस्टैंडिंग होना चाहिए तो फिर हम जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको बीट कर सकते हैं। क्योंकि जब किसी भी एम्प्लॉयर को जिससे आपको सर्विस देनी है वो देखता है कि इससे बेहतर बंदा है ही नहीं तो कहता है फिर इसी को मैं लेना चाहूँगा। मैं खुद पाकिस्तानी क्रिश्चियन होते हुए पंजाब से होते हुए को मेरी कोई वेरी मीगर बैकग्राउंड, लेकिन खुदा के फजल से मैंने जैसे पढ़ाई की आउटस्टैंडिंग की और जो नौकरियां पे सिलेक्ट हुआ अपनी बेसिस पे हुआ, मेरिट पे हुआ। मल्टीनेशनल कंपनी लाइक जनरल टायर, लाइक कोका कोला कंपनी, लाइक निसान ट्रक्स और बसेज जो बनते हैं सब बनती हैं, इनके लिए मैंने काम किया है। तो वहाँ पे यू हैव टू बी आउटस्टैंडिंग, सिर्फ तासुब कहना वो ठीक तो है लेकिन वो एक एलिमेंट है। अब हर नौजवान को अपने आप को आउटस्टैंडिंग बनाएंगे तो फिर हम एज ए मिनोरिटी ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हम दूसरे के साथ कम्पीट नहीं कर सकते। ठीक है, उनको उन पर फोकस वो ले जाते हैं क्योंकि वो उनके अपने ये बात। तो बाकी हमारे ज़्यादातर लोग पढ़ लिख के या नर्सिंग ग्रेजुएशन करके या टीचर बन गया, कोई नर्सिंग में चला गया, कोई कभी फौज में चला गया, लेकिन कोई जो कॉर्पोरेट सेक्टर है जहाँ पे कंपनीज हैं जिनमें बहुत सारे शोबे होते हैं, प्रोडक्शन है, फाइनेंस है और मार्केटिंग है, कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर कमर्शियल कंपनी हो चाहे बैंक हो चाहे फैक्ट्रीज हो, सबसे ज़्यादा स्टाफ होता है मार्केटिंग का, जिन्होंने जो कुछ प्रोड्यूस हुआ उसको मार्केट करके उसको फ्रॉक करके कंपनी को पैसे वापस लाने होते हैं और जिससे कंपनी जो है वो चलती है और प्रॉफिटेबल होता है। और ये बड़े प्रेस्टीजियस जॉब होते हैं और ये दायमी जॉब होते हैं, कंपनी बड़ी कंपनी में चलती रहती है, कई कंपनियाँ 100-100 साल से चल रही है, तो उस पर भी फोकस करना चाहिए कि कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा नौकरी है जिनमें से ज़्यादा मार्केटिंग से रिलेटेड होते हैं जो कोर्स हम आज करा रहे हैं इन दिनों में। ठीक है, तो आई वुड से इवन आपको गॉस्पल अगर लोगों तक पहुंचाना है तो आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। गॉस्पल आप चर्च में तो कर लेंगे लेकिन और तरीके देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाम। तो किस शोबे से आप तल्लुक रखते हैं? मैं वेब डेवलपमेंट करता हूँ, आईटी का शोबा।
जी आपके लिए कैसी ये मीटिंग बेनिफिशियल होगी? जी ये आईटी का शोबा है मेरा, तो इस वजह से मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है क्योंकि आईटी भी एक मार्केटिंग ही है, क्योंकि मैं आईटी जो एक सर्विस है, ठीक है, मैं वेब डेवलपमेंट करता हूँ तो एक सर्विस है, और सर्विस अगर आपके पास है स्किल है लेकिन आपको मार्केटिंग नहीं आती और आप उसको बेच नहीं सकते तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इस क्लास में आने का मेरा मकसद यही था कि मैं इधर से कुछ स्किल्स सीखूंगा कि मार्केटिंग के करके मैं अपने आप को कैसे ग्रो कर सकता हूँ, अपने स्किल को ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचा सकता हूँ। मेरा नाम शरण इब्राहिम है और मैं अकाउंटेंट हूँ, और जो हमने आज इधर सीखा है मतलब कि सेल करने का, कैसे हम कंपनियों में सेल कर सकते हैं, कैसे हम आगे ग्रो कर सकते हैं और काफ़ी जगहों पर हम जाके अपना काम कर सकते हैं, तो ये चीज़ें हमने सीखने को मिली। सर मेरा नाम फारिस नार है और मैं स्टूडेंट हूँ विम्स कॉलेज। तो इस मीटिंग के हवाले से जो आज आपको हायर एजुकेशन दी जा रही है बिजनेस के हवाले का, अपने फ्यूचर के हवाले से, हमें आज इंट्रो करवाया गया कि बहुत सी जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो मार्केटिंग के लिए बंदे हायर करती हैं मुख्तलिफ कंट्रीज में, और हमें गाइड किया जाता है कि कैसे, यानी कि वो अपनी सर्विसेज आगे प्रोवाइड कर रही हैं रिटेलर में कंपनीज में, और कैसे लोगों तक अपनी जो है वो सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। आप किस शोबे से तलक रखते हैं? मैं शहर के शोबे से तलक रखता हूँ। तो इस कॉन्फ्रेंस से आपने क्या सीखा? इस कॉन्फ्रेंस से मैंने सीखा कि सेलिंग कैसे होती है और ये कैसे आगे कंपनी चीज़ें बनाती है और कैसे आगे जाती है, मार्केटिंग कैसे होती है, और इस वक्त हमने ये सीखा है इस जगह से।